यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज के शाम के बेला में परमेश्वर यहोवा आज आपको हर प्रकार के आशीषों को वो परमेश्वर देने वाला है। उससे पहले मेरे प्रियो, आइए हम वचन को हम पढ़ेंगे, वचन को जो हम देखेंगे, वचन आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज यीशु प्रभु, सारे जो है आपके जो है परेशानियों को, सारे दुख और मुसीबतों को वो झेलता है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आपको डरना नहीं है किसी बात की जो है, पर चिंता और मुसीबत आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा परमेश्वर पिता, मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शाम के बेला में प्रभु हमको आपने जीवित रखा, चंगा भला स्वस्थ रखा, निरोगी रखा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आइए सब लोग धन्यवाद करें, कुछ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद के साथ प्रभु को पुकारें, प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें। आज प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को, सारे आवश्यकताओं को पूरा करके आपको नया जीवन देने वाला है। हालेलुया, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे प्रभु जी, मैं एक बार फिर से प्रभु सारे लोगों के लिए, जितने आज तेरे पास में, तेरे निकट में, तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी, अगर आज वो प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार में, मेरे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। मेरे प्रभु, हमारा परमेश्वर को वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा संचित मत करो। मेरे प्रभु, धन हम जो है पृथ्वी पर इकट्ठा ना करें, लेकिन हमारा धन मेरे प्रभु स्वर्ग में होना चाहिए। हमारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए, जहां मेरे प्रभु ना तो चोर सेंध लगा सकता है, ना चोर चुरा सकता है, वहां मेरे प्रभु सदा के लिए हमारा जो है धन इकट्ठा होना चाहिए। मेरे प्रभु, यहां का धन जो है नष्ट हो जाएगा, यहां के धन को जो है चोर चुरा भी लेगा, और वो धन में जो है कीड़े भी और काई भी लग सकता है, लेकिन वहां के धन में मेरे प्रभु कभी जो किसी बात की घटी कमी नहीं होगा, और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा, और आपकी मेरे प्रभु हर एक जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, आज जितने भी स्थिति परिस्थिति पिता जो उनके जीवन में है पिता, आज मैं विश्वास करता हूँ कि हरेक प्रभु जी परेशानियों को, हरेक दिक्कतों को आज पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में आप निकालेंगे प्रभु, आज दूर करेंगे पिता। आज तू हरेक जन की स्थिति परिस्थिति बदलना प्रभु जी, आज हरेक प्रभु स्थिति परिस्थिति बदल जाए, और विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी तेरे पास में बैठे, जितने भी तेरे निकट में बैठे हैं, और जितने भी तेरे हुजूर में पाए जाते हैं प्रभु, सबकी प्रार्थना को तू सुनना, और सबकी प्रार्थना को तू सुनकर उत्तर देना। मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी परमेश्वर पिता तेरे पास में, तेरे हुजूर में आज निकट में पाए जाते हैं मेरे प्रभु, सबकी तू प्रार्थना को सुनकर, और सबकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना, और उनके सारे प्रभु जी प्रार्थना को सुन में सुनकर प्रभु तेरी आशीष को प्रभु जी प्राप्त करने पाए पिता, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष की वारिस परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा, यहोवा हमारा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाला, चंगाई और छुटकारा देने वाला, समझ और बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुन कर उत्तर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करें। हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करें। कई बार क्या होता है, हम मेरे प्रियो प्रभु को जो है ऐसे ही हल्के में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रभु के जो है राज और धर्म की खोज करो, तब सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई, आपको चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले प्रभु के पास में अपने रिश्ते को मजबूत करना है, और मेरे प्रियो जो जो आवश्यकता है आपकी, जो जो इच्छा है, जो जो आप जो है मांगोगे, आप परमेश्वर यहोवा आपको देने वाला है, और मेरे प्रभु आपके हर एक जरूरत और आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जो है इस धरती में कहा, जाओ फूलो और फलो, पृथ्वी में भर जाओ, कहता है परमेश्वर वचन। हाँ मेरे प्रियो, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो लिखा है मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में कह रहा है कि इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई, आज वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर आज आपके परिवार में वो वचन कह रहा है कि सबसे पहले तो परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज कर तो मेरे प्रियो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगे। आपको मेरे प्रियो इधर उधर भटकने
और घूमने फिरने की जरूरत नहीं होगा, वरन मेरे प्रियो आप जो है प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के नाम से, प्रभु की जो है मेरे प्रियो आप जो प्रभु के नाम को लेकर आप एक हर्ष और आनंदित होंगे, उत्साह अपने आप के जीवन में होगा और हर एक स्थिति और परिस्थिति आपके जीवन में होगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्थिति परिस्थिति को बदल कर आपको नया जीवन देगा। इसलिए मेरे प्रियो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो जीवित परमेश्वर आपके साथ में है, वो जीवित परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति और स्थितियों को बदल कर आपको मेरे प्रियो उठाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो बल से ना तो शक्ति से और परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। इसलिए वो तो कहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा कहता है। हालेलुया मेरे प्रिय मसीह भवन, आज मेरे प्रियो भले ही हम जो है प्रभु में जो है पीछे है, प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना करते नहीं बनता, प्रार्थना में कमजोर है, प्रार्थना की जो है संगति में नहीं बैठ पाते, प्रार्थना योद्धा हम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमको जो है उस संकट से, उस दुख और मुसीबत से बचाएगा और हमको जो है उस दुख और मुसीबत कष्ट से बचाकर आपको उठाएगा और नया जीवन देगा, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमको जो है हर एक परिस्थिति और स्थिति को बदल कर वो नया जीवन देगा और वो परमेश्वर आज हमको बदल कर आशीषों से भर देगा। वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, आपकी हर एक समस्याओं को निकालेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर एक कष्टों को दूर करेगा। हमारा परमेश्वर मेरे प्रभु आपके हर एक परेशानियों को निकाल कर आपको नया जीवन देगा। हालेलुया यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे प्रभु धन्यवाद, मेरे प्रभु धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने सारी प्रार्थना को प्रभु आपने ग्रहण किया और प्रभु सारे लोगों को प्रभु आपने जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और हर एक जन के विश्वास को आपने प्रभु जी जो उनके अंदर प्रभु दिया पिता, सब जन प्रभु जिस विश्वास को आप बढ़ाए पिता और सब जन की जरूरत आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। और पिता मेरे प्रिय आपको जो है घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन में लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा, लेकिन आपको मेरे प्रभु विश्वास के साथ प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के जो है वचन के लिए आपको आगे बढ़ना है। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा और आपके हर कष्ट को, हर मुसीबतों को परमेश्वर क्षण भर में दूर करके आपको नया जीवन देगा। इसलिए आपको मेरे प्रभु विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को आपको खोज करना है। परमेश्वर आखिर हमसे तू क्या चाहता है, प्रभु मुझसे तू क्या करवाना चाहता है, प्रभु मुझसे तू बोलो और बातचीत कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको मेरे प्रभु संभाल कर नया जीवन देगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको बढ़ाएगा, नया जीवन देगा। इसलिए मेरे प्रभु आपको डर नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर और राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। यस यस यस, बदल दो मेरे प्रभु जी, बदल दो बदल दो, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, मेरे अद्भुत करने वाला परमेश्वर, यस यस चंगा और छुटकारा दो प्रभु। आज हर एक जन की प्रभु जी स्थिति और परिस्थिति बदल जाए और प्रभु जितने पिता तेरे निकट में तेरी हुजूरी में बैठे मेरे प्रभु, सब जन की परेशानियों को, सब जन की दिक्कतों को आप प्रभु यीशु मसीह आप दूर करना, उनको नया जीवन देना, बदल देना प्रभु, चंगाई और छुटकारा देना, हर एक जन की परेशानियों को, हर एक जन की दिक्कतों को आज तू आज उद्धार करता परमेश्वर बदल कर उनको प्रभु जी तेरी महिमा के लिए उठा लेना, प्रभु जी तेरी महिमा के लिए उनको छुन लेना मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, यस मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यस यस आशीष को परमेश्वर देने वाला, आशीष की वारिस करने वाला परमेश्वर, जिस प्रकार अब्राहम को आशीष दिया, जिस प्रकार एलिया को आशीष दिया परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे प्रियो यूसुफ को परमेश्वर यह आशीष दिया, आपको भी आशीष देगा, आपको भी बचाएगा, आपको भी मेरे प्रियो परमेश्वर यह प्रतिफल देगा, आपको भी जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा, आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। आप चिंता मत करें, घबराएं मत, विश्वास के साथ प्रभु की संगति, प्रभु की महिमा में आगे बढ़े, प्रभु आपको सपोर्ट करेगा, प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी स्थिति और जितनी भी परिस्थिति है परमेश्वर आपके जीवन से दूर करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ सभी जन की प्रार्थना को आपने सुना और उत्तर दिया, उसके धन्यवाद पिता। और आज प्रभु जितने पिता तेरी प्रार्थना को सुने हैं, सब जन प्रभु जी बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए पिता, और बहुतायत से प्रभु जी फलवंत होने पाए, बहुतायत से प्रभु तेरी महिमा करने पाए, बहुतायत से प्रभु तेरी आराधना करने पाए और तेरी महिमा प्रभु हर एक मसीह भवन आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उद्धार करता परमेश्वर पिता, सहायता करना और मदद करना और प्रभु हर एक जन को जीवन और चंगाई और छुटकारा देना, हर एक जन मुसीबतों से, दुख से, कष्ट
से बचाना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता फिर से प्रभु तेरी संगति में हर पल प्रभु हर दिन हर प्रभु जी सुबह हो शाम हो पिता तेरी संगति में प्रभु जी पाए जाए पिता, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के सम्मुख में निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपके सारे कष्टों को मुसीबतों को दूर करेगा और आपको नया जीवन देगा। हालेलुया, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता आज ब्लेस करो, सहायता और मदद करो। यस यस यस, चंगाई और छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे पराक्रमी परमेश्वर पिता, मेरे राज्यों के राजा प्रभु के प्रभु जी, आज आज एक जन की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, आमेन। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें और मेरे प्रभु को क्षण आज मेरे प्रभु अपने आप को जांचें और प्रभु से परखें कि प्रभु क्या मैं सचमुच तेरे पीछे चलना चल रही हूँ या नहीं चल रहा हूँ। प्रभु से अगर आप जांचेंगे, प्रभु से बोलेंगे और बातचीत करेंगे तो प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मेरे प्रभु आपको प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे, सहायता और मदद करे, दिन प्रतिदिन जो प्रभु की संगति में आपको प्रभु आगे बढ़ाए और प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को रक्षा करे, प्रभु यीशु मसीह आपकी जो है सब चीजें बहुत ऐसे आशीष कारण होने पाए। पिता का धन्यवाद, प्रार्थना सुना, आमीन।